नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। आज सबसे पहले बात करते हैं खरबूजे की। खरबूजा दोस्तों ये है 300 रुपये का। 300 रुपये में लगभग 20 किलो खरबूजा आपको मिलेगा, पूरी पन्नी मिलेगी ये 300 रुपये में 20 किलो खरबूजा। दोस्तों अब बारी है फलों के राजा आम की। आम मंडी में जिधर भी आप जाएंगे आपको आम ही आम देखने को मिलेगा। इसका रेट वैसे मैं एक मोटे से अंदाजे में आपको बता दूँ कि जैसा आम वैसा रेट, लगभग 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक। 20 रुपये जैसे ये छोटा डब्बा है ये 7 किलो का, बड़ा डब्बा 10 किलो का, उससे बड़ा डब्बा 12 किलो का, जो आप करेट लेंगे वो 25-30 किलो इसमें वजन हो जाएगा। तकरीबन ये लगाओ कि मोटे हिसाब में 20 रुपये से लेकर और 30 रुपये किलो तक, जैसा आम वैसा रेट। इसमें दशहरी, लंगड़ा, चौसा ये सब आ जाएंगे। चौसा तो अभी नहीं आया, दशहरी है, लंगड़ा है और आम सब मिल जाएंगे मंडी में। चारों तरफ जहाँ भी आप देखेंगे आपको दूर तक आम ही आम मिलेगा। तो इसमें जो टॉप क्लास क्वालिटी है, टॉप क्लास क्वालिटी आम में आपको जो लखनऊ मलियाबाद का आम मिलेगा उसका रेट 30+ मिलेगा आपको, 30 रुपये, 32 रुपये, 35 रुपये। तो जैसा आम वैसा रेट। जो छोटे आम है उनका मिनिमम 20 रुपये से लेकर 30 रुपये, और जो लखनऊ का लंबा आम है टॉप क्लास क्वालिटी उसका रेट है 30+, 30 रुपये, 32-35 रुपये तक। कोई कोई क्रेट जो जिसका बिल्कुल साफ सुथरा आम है वो आपको 35 से ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। जिसका साइज बड़ा है वो आपको 40 रुपये तक भी मिलेगा। मंडी में हर किस्म का, छोटा डब्बा, बड़ा डब्बा, पेटी, क्रेट, हर किस्म का आम है मंडी में। जहाँ तक आप दूर तक नज़र घुमाओगे आम ही आम है, क्योंकि फलों का राजा आम अब इसका सीजन शुरू हो चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं कीवी की। देखो कीवी मंडी में अलग अलग कीवी होती है, जैसे कीवी वैसा रेट। ये खुली गाड़ी आती है, इसमें आपको ये छोटी क्रेट है, इसमें आपको छोटी क्रेट में ये 10 डब्बे मिलेंगे। तो इसमें 135 पीस होते हैं, इसका रेट है 650 रुपये। ये जो क्रेट होती है, ये वाली खुली क्रेट जो देखो ये देख रहे, इसका रेट है 600 रुपये से लेकर 800 रुपये। जैसी कीवी वैसा क्रेट, इसमें लगभग आपको 100 पीस मिलेंगे। 100 पीस का रेट मिलेगा आपको 600 रुपये से लेकर 800 रुपये क्रेट, 600 रुपये से लेकर 800 रुपये क्रेट। ये आपको 6 रुपये से लेकर 6-7-8 रुपये पीस पड़ेगा। ये जो है अलग प्राइस है कीवी की। जो खुली आती है, जो डिब्बों में आती है छोटी पैकिंग, जो इम्पोर्टेड कीवी होती है उसका रेट अलग होता है। ये थोड़ा बड़े साइज की कीवी है, इसका इसमें भी 100 पीस होते हैं क्रेट में, इसका रेट है 1000 रुपये, 1000 रुपये एक क्रेट का। ये आपको लगभग 10 रुपये पीस पड़ेगा। जो थोड़ा सा साइज छोटा है कीवी का वो आपको लगभग 7 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, हर साइज की कीवी। ये खुली कीवी आती है, ये लोकल हिमाचल यानी अपने भारत की कीवी है ये। दोस्तों अब बात करते हैं सेब की, एप्पल की। ये एप्पल, ये सेब जो है ये अफ़गानिस्तान की क्वालिटी है। ये 10 किलो की पैकिंग में आता है। इसका थोक में 1000 रुपये, 1100 रुपये प्रति क्रेट का रेट है 10, ठीक है जी। हाँ जी, इसका 10.5-10, 1100 रुपये 10 किलो का। और ये है गुजरात का केसर आम, सुपर क्वालिटी केसर आम। इसका रेट है जी केसर का 850-900 रुपये 10 किलो का। 10 किलो का बॉक्स है जो ये सुपर क्वालिटी गुजरात का केसर, ये आपको 80-90 रुपये किलो पड़ेगा। अब आपको दिखाते हैं सफ़ेदा आम। ये सफ़ेदा आम आपको 650 रुपये, 600 रुपये पड़ेगा 10 किलो का होल सेल में। और ये है जी प्योर जो लखनऊ का मलियाबाद का आम जिसको बोलते हैं, इसका रेट है ये दशहरी मलियाबाद जो लखनऊ का इसको बोलते हैं वैरायटी। देखो कितना लंबा आम है ये, इसका रेट है 10 किलो की पेटी का, इसका रेट है 350 रुपये, ये 35 रुपये किलो पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं आड़ू की। जैसा आड़ू वैसा भाव। ये 14-15 किलो की पेटी होती है, इसका 500 रुपये, 600 रुपये। ये इसका क्या प्राइस है जी होलसेल? इसका क्या चीज़? ये होलसेल प्राइस क्या इसका? होलसेल मतलब 120 रुपये किलो। ये 10 किलो की पेटी है, ये 450 रुपये की बोल रहे हैं। वैसे तो ये 600 रुपये की बेचते हैं इसको, ये कह रहे होल सेल में हमने 450 रुपये के लिए। जैसा आड़ू वैसा भाव। जैसे ये
बड़ी पेटी है 15 किलो की, इसका रेट 650 रुपये। हर किस्म का आड़ू, हिमाचल का आड़ू, लोकल आड़ू, पठानकोट का आड़ू, सारी पंजाब का आड़ू, हर किस्म का आड़ू है यहाँ पर। जैसा आप लेना चाहोगे वैसा आड़ू मिल जाएगा। अब बात करते हैं आलू बुखारे की। आलू बुखारा जैसा आलू बुखारा वैसा रेट, कच्चा पक्का। इसमें आपको 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये, जैसा छोटा डिब्बा, ये आपको 30-35 रुपये किलो से लेकर 50 रुपये किलो तक का आपको आलू बुखारा देखने को मिलेगा मंडी में। जो टॉप क्लास क्वालिटी आलू बुखारा है वो आपको 60 रुपये, 65 रुपये, 100 रुपये किलो तक भी मिलेगा। जो किन्नौर का आलू बुखारा है वो 100 रुपये तक मिलेगा। वैसे मिनिमम आलू बुखारा यहाँ 30-35 रुपये से लेकर 60-65 रुपये किलो तक। ये बात करते हैं माल्टा। माल्टा जो आपको मिलेगा 1200 रुपये की पेटी मिलेगी ये आपको। इसमें आपको 12 किलो ये माल्टा मिलेगा। दोस्तों ये वाशिंगटन का सेब है, वाशिंगटन। ये थोड़ा छोटे साइज में मिलेगा आपको 4000 रुपये की पेटी। जो 20 किलो की पेटी होती है, 20-22 किलो की, वो जो थोड़ा बड़े साइज का है वो आपको मिलेगा लगभग 4500 रुपये में। ये भी वाशिंगटन डीसी का सेब है। इसका प्राइस है 4500 रुपये 20-22 किलो। और इसका जो ये छोटे वाला है ये मिलेगा 20 किलो सेब होता है, ये छोटे वाला मिलेगा आपको 20 किलो सेब 4000 रुपये में। दोस्तों अब आप बात करते हैं टैंची। ये कहाँ का है? ये साउथ अफ्रीका का टैंची। ये बब्बू गोसे की वैरायटी होती है। इसका रेट है, बब्बू गोसे वाली वैरायटी है ये, साउथ अफ्रीका का टैंची, इसको टैंची बोलते हैं। इसका रेट है 12 किलो। ये आपको मिलेगा 1700 रुपये, 1800 रुपये पेटी। ये सेब है फ्यूजी, ये 10 किलो की पेटी होती है। इसका रेट है 2500 रुपये। वाशिंगटन थोड़ा ज़्यादा कलर का होता है ये फ्यूजी, इसका रेट है 2500 रुपये 10 किलो की पेटी। दोस्तों अब बात करते हैं जामुन की। जामुन का वैसे अलग अलग रेट, अलग अलग साइज़ की जामुन अलग अलग रेट। ये होलसेल प्राइस में मिलेगी आपको गुजरात की सबसे टॉप क्लास क्वालिटी, टॉप क्लास क्वालिटी में जामुन आपको मिलेगी 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये क्रेट। 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये क्रेट, जिसमें 25 किलो जामुन आएगी। 25 किलो जामुन आपको 2500 रुपये से 3000 रुपये क्रेट की मिलेगी, ये गुजरात की। और उसी में दोस्तों आपको पुष्कर की जामुन मिलेगी 2000 रुपये से लेके 2500 रुपये क्रेट, 2000 रुपये से लेके 2500 रुपये क्रेट। ये यहाँ पर जामुन के क्रेट लेके छोटी छोटी पैकिंग करके बेचते हैं। तकरीबन इसमें 5-10 रुपये किलो का मार्जिन लेते हैं, कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते। दोस्तों अब पहुंच चुके हैं लीची मंडी में, जहां पर आपकी आप तक आपकी नज़र जाएगी वहीं तक आपको लीची ही लीची मिलेगी। लीची दो जगह की आ रही है अब मंडी में, एक उत्तराखंड रामपुर की और दूसरी पंजाब पठानकोट की। दोनों का अलग अलग रेट है। एक का रेट तकरीबन आपको जो पठानकोट की लीची मिलेगी टॉप क्लास क्वालिटी की, वो आपको 100 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये किलो तक देखने को मिलेगी। और जो रामनगर की लीची है उत्तराखंड की, वो भी आपको तकरीबन 80 रुपये, 90 रुपये मिलेगी। ये है जी पठानकोट टॉप क्लास क्वालिटी, ये आपको लीची पड़ेगी 100-110 रुपये होल सेल प्राइज। और ये रामनगर की लीची है, ये भी आपको 90 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये पड़ेगी टॉप क्लास रामनगर। रामनगर अब समाप्ति की ओर है, लीची ख़त्म हो रही है। अब जो है पठानकोट की लीची आ गई मंडी में, लीची मिलेगी तकरीबन 90 रुपये से लेकर 80 रुपये से लेकर और 110 रुपये तक का, हर किस्म की लीची का रेट है आज का। लो अब बात करते हैं लीची की। लीची में आपको जो दिल्ली के सबसे थोक के जो आड़ती हैं, ये B943, इनसे बात करते हैं। इनका दिल्ली में सबसे थोक का काम है इनके पास। ये देखो गाड़ियों की गाड़ी आती हैं और ये इनका होलसेल का काम है। लो इनसे बात करते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम राजा है। और जिस किसी भाई को भी अगर मेरे से मिलना हो और अगर मेरी दुकान पे आना हो तो मेरा आड़त का काम है। और जिस किसी भाई को लीची लेनी हो तो मेरे पास आके मिल सकता है। यहाँ का रेट है 70 रुपये किलो और 80 रुपये किलो। और इसको बाहर बेचते हैं 110 रुपये किलो, 120 रुपये किलो आप बेच सकते हैं लीची को। जिस किसी को भी लेना हो तो मेरे पास आ सकते हैं, ये मेरी दुकान हैगी। ठीक है जी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, ये इनका बोर्ड है, इसमें से स्क्रीन शॉट लेके आप इनका नंबर दे सकते हैं। यदि आपको
इनसे होलसेल में डील करनी हो, ये आपका माल बेचेंगे भी और यो जो आप इनसे लेना हो तो ये आपकी दुकान तक माल पहुंचाएंगे भी। इनके खाते में पहले पैसे डालो, ये गारंटी है, ये थोक के आड़ती है यहाँ के। दोस्तों अब बात करते हैं अमरूद की। अमरूद 40 रुपये से लेकर 60 रुपये किलो तक पड़ेगा, जैसा अमरूद वैसा उसका भाव होगा। ये देखो ये कलकत्ता का अमरूद है, टॉप को क्लास क्वालिटी अमरूद, इसका रेट पड़ेगा आपको 60 रुपये किलो। और जो थोड़ा लो क्वालिटी का अमरूद है वो 40 रुपये 45 रुपये जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। ये होलसेल मंडी में 40 रुपये 45 रुपये ये होलसेल का प्राइस है, 40 रुपये से लेकर 45 से लेकर 60 रुपये तक। दोस्तों अब बारी है अनार की। अनार का रेट जैसा अनार वैसा भाव। ये जो अनार का बॉक्स होता है ये सारा 10 किलो का बॉक्स होता है, ये आता है 400 रुपये मिनिमम, 40 रुपये किलो से पड़ेगा। जैसा भाव वैसा अनार, जो टॉप क्लास क्वालिटी का अनार है वो आपको 1100 रुपये बॉक्स तक पड़ेगा। आपको 1100 रुपये में आपको ये 10 किलो का बॉक्स 110 रुपये किलो पड़ेगा, जो टॉप क्लास क्वालिटी का अनार है। अनार मंडी में आपको अनार ही अनार मिलेगा। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का अनार है कंदार का, वो आपको 110 रुपये बॉक्स, 110 रुपये में आपको 10 किलो का पड़ेगा। वैसे जो अपने नासिक का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, जहाँ का भी अनार है वो आपको 750-800 रुपये, जैसी वैरायटी वैसा भाव। आज अनार मंडी में ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। दोस्तों अब बात करते हैं बिल की। बेलपत्र बिल जो टॉप क्लास बिल है उसका रेट है आज का 900 रुपये, 1000 रुपये। और जो इसका 40 किलो की बोरी आती है, 40 किलो की बोरी का जैसे 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, जो टॉप क्लास है उसका 900, 1000 रुपये तक मिलेगा बेलपत्र। ये 40 किलो की पैकिंग में आती है, यानी इसका 600 रुपये से लेकर 900 रुपये मण। दोस्तों जो 17 नंबर सेट की बात करते हैं, आपको 17 नंबर सेट में ज़्यादातर आपको सफेदा, तोतापरी, बाहर का आम देखने को मिलेगा। इसमें जो टॉप क्लास सफेदा है ये कच्चा आता है बाहर से, इसको पकाना पड़ता है। इसका टॉप क्लास सफेदा जो आम है इसका रेट है 400 रुपये, 400 से लेकर 450 रुपये 10-11 किलो। और जो बात करते हैं तोतापरी की, तोतापरी का रेट है इसमें जो लंबे वाला तोतापरी आम होता है इसका रेट है 300 रुपये से लेकर 350 रुपये क्रेट। इसमें भी 10-11 किलो आम होता है। ये सेट नंबर 17 में, इसमें ज़्यादातर आपको तोतापरी और सफेदा देखने को मिलेगा। दोस्तों आज बात करते हैं मौसम्मी की। मौसम्मी की मंडी में आज थोड़ा सा रेट ज़्यादा है, थोड़ा मामूली रेट बढ़ा हुआ है। इसमें जो एक नंबर मौसम्मी है, जो टॉप क्लास क्वालिटी है, जो ये कट्टों में देखो मोटा साइज़ की, मोटे साइज़ की मौसम्मी है, इसका रेट है आज का 90 रुपये। और जो ये चार नंबर मौसम्मी है, चार नंबर का क्या रेट है भाई साहब? 26, चार नंबर का 26 रुपये। और तीन नंबर मौसम्मी का रेट है 44 रुपये, 45 रुपये। और दो नंबर कौन सी है जी इसमें? दो नंबर इस साइज की, दो नंबर का क्या रेट? दो नंबर 74 रुपये, और तीन नंबर 45 रुपये, और चार नंबर, पांच नंबर है 18 रुपये, पांच नंबर 18 रुपये, और चार नंबर जी, चार नंबर 26 रुपये। और जो इसमें टॉप क्लास एक नंबर वैरायटी है उसका रेट आज 90 रुपये है। आज मंडी में थोड़ा सा माल कम होने के कारण मौसम्मी का रेट ज़्यादा है। मौसम्मी की मार्केट में आपको मौसम्मी ही मौसम्मी देखने मिलेंगे। जिस हिसाब से मौसम्मी है उसी हिसाब से इसकी डिमांड भी है, क्योंकि ये हर की ज़रूरत है। हर बंदा इसको खाता है मौसम्मी को, इसका जूस पीता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो दिल्ली फ्रूट मार्केट की, फलों के रेट की, भाव की। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को राम राम।